मेरे साथ श्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजीर शाह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नावीद श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। नावीद जी अपनी देखरेख में अनेकों कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवित्र माह में डॉक्टर नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं और उन्होंने हमसे बातचीत के लिए समय भी निकाला है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नावीद जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है, आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डिजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही, वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकेंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो SOPs हैं, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं, आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी COVID-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में दो वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15-16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द, या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइंस है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए। और जिस जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी COVID-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।